आपका स्वागत है इस व्लॉग में। और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि भेड़ों से ऊन कैसे उतारा जाता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और इससे पहला पार्ट जो अगर आपने नहीं देखा तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आपको पहली वीडियो को भी देख लेना। आओ चलते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं कि भेड़ों से ऊन को कैसे उतारा जाता है। ये देखिए, उस साइड भी उतार रहे हैं और इस साइड भी उतार रहे हैं। और मैं अभी आपको इतनी इन्होंने ऊन उतार दी है भेड़ों से, और अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे ऊन उतार रहे हैं। ये देखो, और ये देखिए कैंची कितनी बड़ी है इनकी। ये देखो भेड़ भी गर्मी में परेशान है, और ऊन इसलिए उतारी जाती है क्योंकि गर्मी है बहुत, गर्मी से बचाने के लिए इसीलिए ऊन उतारी जाती है इनकी। साल में कम से कम 2 या 3 बार इनकी ऊन उतारी जाती है ताकि ये गर्मी से बचे रहें। और जैसे बरसात के मौसम में बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं भेड़ें, तो इसीलिए इनकी बार बार ऊन उतारी जाती है। ज़्यादातर ये तो 2 ही बार ही उतारी जाती है इनकी ऊन, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पशु ऐसे होते हैं जो अलग सी जनरेशन के होते हैं जिनकी 3 बार भी ऊन उतारी जाती है। इन्होंने कुछ एक दो डिज़ाइन भी बना रखे हैं इसके, वो भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊँगा। इसके बाद मैं आपको दूसरी जगह लेके चलता हूँ। ये देखिए, भेड़ की पूंछ है, यहाँ से इसके बाल उतार रहे हैं। ये रंग बिरंगी, ये है रंग बिरंगी ऊन। भेड़ को बहुत गर्मी लगी हुई है, ये भी साथ के साथ बोल रही है। पहले ये भेड़े ऐसी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो जिनकी ऊन उतार दिया वो भेड़ कैसी दिखाई दे रही है, और जो इनकी ऊन नहीं अभी उतारी है वो कैसी दिखाई दे रही है। ये देखो, ये भेड़ जो है इसकी ऊन उतार दी गई है, लेकिन ये जो भेड़ है इसकी अभी ऊन नहीं उतारी गई। जैसे ही इसकी भी ऊन उतार दी जाएगी तो ये भी इसी जैसी दिखाई देगी। का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल का। थैंक यू।